वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो से हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू ड्रिंक इंपीरियल ब्लू व्हिस्की। वेल, आप बहुत साल से इस पर्टिकुलर व्हिस्की को पीते आ रहे हैं, बट मैं आपको आज बताने वाला हूं कि क्या है अल्टीमेट तरीका। वेल, व्हिस्की पीने का अलग अलग तरीके होते हैं फ्रेंड्स। जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो है सबसे अल्टीमेट तरीका, तो मैं ना उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहूँगा। बट मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कोई भी व्हिस्की को अगर हम लोग ड्रिंक करते हैं, उसको अगर थोड़ा सा जान लेंगे, उस व्हिस्की का जो कैरेक्टर है उसको थोड़ा सा जान लेंगे, तो ना मिक्सिंग में मज़ा आ जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा 3 टिप्स, वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स, 3 तरीका जिससे ये इंपीरियल ब्लू आपको अल्टीमेट मजा दे सकता है। तो चलिए टाइम ज्यादा ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, टिप शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैं 2 कैटेगरी का इंसान को अलग अलग तरीके से समझाऊंगा कि कैसे पीना है। फर्स्ट कैटेगरी, अगर आप एवरीडे ड्रिंकर है, रोज ड्रिंक करते हैं ऑलमोस्ट एवरीडे, तो फिर आपके लिए एक ही सजेशन है और वो है ये कि आपको 60 या 30 ml व्हिस्की लेना है और उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी को डालना है। मैं आपको एक पेक बना के दिखाता हूँ। जैसे कि ये लीजिए 60 ml व्हिस्की एंड देन यहाँ पर आप अपना पसंदीदा आइस दे सकते हैं, बल्कि मैं अगर बोलूँगा आप अगर डेली पीते हैं तो आइस को भी थोड़ा सा साइड में रख दीजिए। आइस बिना ठंडा पानी से कम चल सकता है, बट अगर आपको आइस पसंद है तो आप आइस डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर आइस डाल दूंगा, अराउंड 1 क्यूब बड़ा सा आइस मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा पानी। जी हाँ, अब ये पानी डिपेंड करेगा कि आपको कितना व्हिस्की स्ट्रॉन्ग पीना है, बल्कि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भरपूर पानी डालिए, क्योंकि ये जो व्हिस्कीज है ना, इंपीरियल ब्लू या इस किस्म का बजट फ्रेंडली व्हिस्कीज, इसमें ना ज़्यादा फ्लेवर नहीं रहते हैं। और व्हिस्की में अगर आप सोडा के साथ पीते हो तो बहुत गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि बहुत जल्दी आपको नशा देता है सोडा। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि अगर आप रोज पीते हो तो फिर पानी से। तो मैं एक चेयर्स करता हूं, जय हो करता हूं। तो ये है रिकमेंडेशन एवरीडे, मतलब रोज जो पीते हैं। चलिए अभी मैं आगे बढ़ता हूं और अब मैं बताऊंगा कि उन लोगों के लिए जो रोज पीते नहीं है, कभी कभार पीते हैं, जैसे कि सप्ताह में 1 दिन या महीने में 2 या 3 बार, तो उन लोगों के लिए बहुत सारा चीज है जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप व्हिस्की को 60 या 30 ml डाल के वहां पर रेड बुल को डाल सकते हो, आप चाहो तो आप जूस को भी डाल सकते हो और उसको देकर पी सकते हो, आप चाहो तो फुल ऑफ आइस के साथ ये जो कोकोनट वाटर है व्हिस्की के साथ मिला के ये भी पी सकते हो। तो काफ़ी सारा ऑप्शन है, बट इनमें से मैं जैसे आपको बताया कि 3 टिप्स मैं शेयर करने वाला हूँ जो मैं मानता हूँ अल्टीमेट है। तो चलिए फर्स्ट टिप्स, तो कैसे आपका पेग आपको बनाना है स्पेशली इंपीरियल ब्लू के साथ। आपको ना मैंने बताया कि ये जो व्हिस्की है ना, अभी ये 100% ग्रेन व्हिस्की है, मतलब यहाँ पर 100% ग्रेन से बनाया गया है, तो ये व्हिस्की काफ़ी ऑथेंटिक बन चुका है। पहले के ज़माने में, मतलब कुछ साल पहले भी मोलसेस से व्हिस्की बनते थे, बट अभी ग्रेन व्हिस्की बन रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो भी मैं बोलूँगा कि ये सब व्हिस्की ना नीट पीने लायक नहीं है, कि क्योंकि इन सब व्हिस्की में वो फ्लेवर नहीं रहता है, वो एरोमास नहीं रहता, आपको कभी बड़ी मुश्किल होगी ढूंढ के निकालने के लिए। तो इससे अच्छा है कि अपनी तरीके से पेक बनाओ। तो फर्स्ट टिप, तो यहाँ पर आपको 60 ml इंपीरियल ब्लू डाल देना है। हाँ, आराम से, कितनी अच्छा, मतलब शानदार खुशबू निकल रही है। ओके, सो अभी यहाँ पर आप एक भयंकर फेमस तरीका है इंडिया में, और वो है 50% वाटर। इससे पहले आप एक आइस दे दीजिए, नहीं तो 50% का ना आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। एंड मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि अगर आप आइस को अवॉइड कर पाए तो बहुत बढ़िया होगा, अगर नहीं कर पाते कोई दिक्कत नहीं यार, आप आइस दे सकते हैं, बट आइस अवॉइड करना बेस्ट है। ये देखिए ऑलरेडी 50% ना वाटर हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगा 50% सोडा, और ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है इंपीरियल ब्लू को पीने का, 50% वाटर एंड 50% सोडा।
अब आप सोच रहे होंगे कि दादा आपने पूरा सोडा क्यों नहीं डाला, तो मैं आपको बार बार बोलना चाहूँगा, कोई भी बबली ड्रिंक्स के साथ अगर आप अल्कोहल को पीते हैं तो ये बहुत क्विकली आपके शरीर में एब्जॉर्ब होते रहते हैं और बहुत जल्दी आपको नशा दे देता है। तो इसीलिए हाफ वाटर एंड हाफ सोडा, क्योंकि सोडा में एक सॉल्ट टेक्सचर रहता है, सॉल्ट टेस्ट रहता है, जो व्हिस्की कॉफ़ी टेस्टी बनाता है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, फुल सोडा देंगे तो टेस्टी तो बन जाएगा बट वो बहुत हानिकारक भी है। तो 50% वाटर, 50% सोडा, 1 kg आइस। तो ये एक बहुत बढ़िया टिप्स है इंपीरियल ब्लू को पीने का। जय हो। नंबर टू जो टिप्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और वो है कोक के साथ। जी हाँ, व्हिस्की अक्सर हम लोग पीना पसंद करते हैं कोक के साथ, बट क्या आप जानते हैं कोक के साथ पीने से आपका इंटॉक्सिकेशन लेवल जो है ना बहुत बढ़ जाता है बहुत क्विकली। आप नोटिस करेंगे, आप एक व्हिस्की को सिंपल पानी से पी रहे हैं और एक बंदा व्हिस्की को कोक से पी रहा है, तो देखिएगा उसका जो नशा है वो बहुत जल्दी चढ़ेगा। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि आप अगर बनाएं तो कैसे बनाएं। कोक भी हम लोग फेंक नहीं सकते हैं, कोक हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 60 या 30 ml व्हिस्की डालिए। और यहाँ पर जैसे कि आइस देने से मज़ा आ जाता है, तो यह चलो थोड़ा सा आइस दे ही देते हैं, तो एक आइस मैंने दे दिया। एंड देन यहाँ पर मैं 50% कोक डालूंगा। जैसे कि मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि देखिए कोई भी ड्रिंक इसमें अगर फीजी होगा तो इसके साथ कुछ स्टिल काइंड ऑफ थिंग को ऐड कर लीजिए तो मज़ा आ जाएगा। तो देखिए मैंने कोक ऐड कर लिया 50% और 50% वाटर। इसमें क्या होगा, कोक का जो मज़ा है वो तो आता रहेगा आपको पूरा, बट पास मैं बोलूँगा कि वाटर रहने के कारण आपका बॉडी का जो डिहाइड्रेशन लेवल है ना उसको भी काफ़ी स्टेबल रखता है। तो ये है और एक तरीका इंपीरियल ब्लू को पीने का। चलो हो, सो ये बन गया आपका सेकंड। अब थर्ड टिप्स, और ये टिप्स जो है ना ये मैं मानता हूं सबसे बेहतरीन टिप्स है। और वो टिप्स क्या है, बहुत सिंपल है। आपको एक ग्लास लेना है और वहां पर थोड़ी सी आइस, और यहां पर आपको देना है जिंजर एल। जी हाँ, जिंजर एल, ये देखिए जिंजर एल। और ये जो जिंजर एल है ये मार्केट में सब जगह मिल जाते हैं। जिंजर एल क्या है फ्रेंड्स, जिंजर एल जो है ये कार्बोनेटेड वाटर है, जिंजर फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड वाटर। और इसी को हम लोग डालेंगे हाफ, आधा, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसीलिए आधा देना है। और आधा क्या देंगे वो ट्विस्ट है, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं अपना पसंदीदा ब्रांड इंपीरियल ब्लू को पहले डाल दूं, और यहाँ पर आपकी मर्जी जो चाहिए आपको, मानो 60 चाहिए तो 60, 30 चाहिए तो 30। तो यहाँ पर मैं भाई 60 ही डालूंगा क्योंकि हम लोग सख्त लौंडे हैं, है ना। तो अभी जिंजर एल 50% आधा, तो चलिए पोर कर देते हैं जिंजर एल, एक फिजी ड्रिंक। बट यहाँ पर अभी हम लोग क्या डालेंगे, आधा डालेंगे पानी। जी हाँ, पानी डालेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो पेक बन रहा है ना ये है अल्टीमेट। देखिए जिंजर एल आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा, शायद आप जिंजर एल से यूज टू नहीं है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार ट्राई करके देखिए, क्योंकि जिंजर एल जो है ना व्हिस्की का जो टेस्ट है ना उसको काफ़ी हद तक एलिवेट करते हैं। अगर अब तक आपने ट्राई नहीं किया तो बहुत गलत कर रहे हैं, और इसीलिए मैं मानता हूँ दिस इज द अल्टीमेट पेक टू एंजॉय योर इंपीरियल ब्लू। मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ ना। वाओ, कितना सुकून है, मतलब जिंजर का खुशबू और साथ साथ व्हिस्की का पंच का बहुत बहुत ही बढ़िया, मतलब कहने लायक नहीं है, मतलब क्या बताऊं। तो आज का वीडियो से मैं ये तीन टिप्स शेयर किया जिसमें से मैं मानता हूं ये अल्टीमेट है। फ्रेंड्स, आप किस तरीके से व्हिस्की को पीते हैं लिखिएगा जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में, सो दैट मुझे भी पता चले कि आप कितने बड़े लेवल का कॉनिश्यूर है। और साथ साथ आप ये भी लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है, सच में, तब जाके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।